Assalamualaikum, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स जीटी रोड ब्रांच। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये है टोयोटा क्रोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल। ये टोयोटा क्रोला की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2014-15 से आ रही है और इसको दो बार फेसलिफ्ट किया गया है। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि 2021 में आया है और इसमें अब एक एक्स का बैज ऐड कर दिया गया है जिसके साथ इस गाड़ी के बम्पर्स को काफ़ी अग्रेसिव लुक दे दी गई है। प्लस इस गाड़ी में एक और इंटीरियर की कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 59 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। और अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप मेन जीटी रोड पे इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये कार विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर स्पोर्ट्स का शोरूम DHA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 59 लाख रुपीज़ है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.cyclemotorsports.pk, जहाँ पर आपको हर गाड़ी की अपडेटेड प्राइस मिलती रहेगी। साइकिल मोटर स्पोर्ट्स जापानी, पाकिस्तानी, जर्मन, इटालियन, अमेरिकन हर तरह की कार में डील करता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, मॉडिफिकेशंस, फेस अपलिफ्ट, पॉलिशेस वगैरह से रिगार्डिंग भी हर एक चीज़ मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे PPF, सिरामिक कोटिंग, टिंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे रेट्स पे किए जाते हैं। यह है टोयोटा क्रोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये क्रोला ग्रैंडी एक्स 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली इसकी ओरिजिनल शेप यानी जो 2015-16 में आई थी उससे बहुत बेहतर है। उसकी हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी बड़ी थी और वो XLI, GLI 1.6, 1.8 में कोई खास फर्क नहीं था, जबकि अब ये गाड़ी एक प्रॉपर डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। इसकी हेडलाइट्स भी फर्स्ट फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। इनमें अब ये बायज़ेरोन LED प्रोजेक्शन लैंप आता है और साथ इसमें DRL भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बनाती हैं अब। और उसके अलावा 2021 में इसमें जब एक्स का बैज ऐड किया गया था तो इसके बम्पर भी चेंज कर दिए गए थे। इसके बम्पर में भी अब ये नीचे बॉडी गेट्स आती हैं और साइड्स भी इसकी ये बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई हैं जो कि अगेन इसकी लुक को काफ़ी अग्रेसिव बनाती हैं। फ्रंट में इसमें हर टोयोटा की कार की तरह का एक ब्लैक पार्ट दे दिया गया है। इसमें फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि आपको पार्किंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा ग्रैंडी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि काफ़ी सारी कार्स में पाकिस्तान में भी नहीं आती, सिटी सिविक वगैरह में। वो चीज़ ये है कि इसमें जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग है यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होते हैं। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। 2017 में फेसलिफ्ट में इसके साथ ये एक साइड कट ऐड कर दी गई थी जो कि पहले क्रोला में आया करती थी लेकिन इस शेप में नहीं दी गई थी ग्रैंडी में भी। अब इसमें ऐड कर दी है जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करती है। और उसके अलावा इसके रिम्स को भी फेसलिफ्ट में इंप्रूव कर दिया गया था। ग्रैंडी में जो एक चीज़ यूनिक है वो ये है कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है जो कि डोर्स अनलॉक करने के साथ साथ लॉक अनलॉक भी होते हैं। और इसके अलावा ग्रैंडी में ये क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि छोटे वेरियंट्स में नहीं आती। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 50 लीटर्स का आता है। और इसके अलावा इसकी विंडोज़ भी टिंट हुई हुई हैं जो कि साइकिल मोटर स्पोर्ट्स ही हुई हैं। यहाँ पर टिंट भी किए जाते हैं और बड़े नॉर्मल रेट्स पर किए जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके रियर लुक की तो ये भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से काफ़ी इंप्रूव है। इन बम्पर्स के बाद ये गाड़ी दोबारा से रिवाइव हो गई है, लोग अब इसको काफ़ी ले रहे हैं और इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। इसका बम्पर काफ़ी बड़ा कर दिया गया है बैक पे। इसमें एक ब्लैक कलर का डिफ्यूजर टाइप का एरिया दे दिया गया है। अगर आप इसको मेंटेन ना करें तो ये बिल्कुल ग्रे सा हो जाता है और इसकी लुक अजीब सी हो जाती है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये 2017 वाले फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। इनमें अब ये काफ़ी बड़ा क्रोम का पार्ट आता है और इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये छोटी कर दी गई है। पहले ये फुल आती थी, अब इसको छोटा करके टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दिया है। बाकी इसकी बेसिक बैजिंग आती है ग्रैंडी की जो कि हर ग्रैंडी में डेफिनेटली होती है। और इसके अलावा बैक पे इसमें एक बैकअप कैमरा आता है। अगर बात की जाए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी इसकी 470 लीटर्स की है, जहाँ पे आप आराम से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं। ग्रैंडी में ट्रंक के अंदर एक मैट भी आता है रबड़ का, कंपनी से स्टैंडर्ड। इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में ये इंसुलेशन भी आती है ट्रंक के अंदर जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ग्रैंडी में अब 2 इंटीरियर की कलर ऑफर होती हैं। वैसे कलर की ऑप्शंस फ्री होती हैं गाड़ियों में, लेकिन पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको अगर ब्लैक रूम लेना है तो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। खैर मेरे ख्याल से ये कलर टोन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये रूम थोड़ा ब्राइट लगता है। ब्लैक रूम वाली कार काफ़ी डल लगती है अंदर से। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो फेसलिफ्ट में ये भी चेंज कर दिया गया था। इसका बेसिक शेल वही है लेकिन इसमें एस्थेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इस वाले पार्ट का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। इसमें अब ये एयरबैग्स राउंड आते हैं, पहले एयरबैग्स का डिज़ाइन डिफरेंट आता था। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेन शेल के लिहाज से सेम ही है 2015 वाला, लेकिन इसमें कंट्रोल चेंज कर दिए गए हैं। इसकी राइट स्पोक भी अब कंट्रोल आ गया है, पहले 2015 में इवन ग्रैंडी में भी राइट स्पोक पे कोई कंट्रोल नहीं होते थे, ये स्पोक ब्लैंक होती थी। अब इसमें यहाँ पे कंट्रोल दे दिया गया है जो कि हमारी डिस्प्ले का है। हमारी डिस्प्ले भी इसके मीटर में चेंज किया गया है जो कि काफ़ी इंट्रैक्टिव है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। और उसके अलावा लेट स्पोक पे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें क्रूज़ दिया गया है स्टीयरिंग के पीछे। ये क्रूज़ बेसिक सही है, अडॉप्टिव नहीं है। बाकी ग्रैंडी में जो एक चीज़ बहुत मज़ेदार आती है वो ये है कि इसमें पेडल शिफ्टर आते हैं और ये 2015 से आ रहे हैं। ग्रैंडी में ये चीज़ टोयोटा ने देख के काफ़ी अच्छा किया है। बाकी क्योंकि ये ग्रैंडी है तो इसमें डोंट हैंडल्स वगैरह क्रोम की फिनिश में आते हैं।
और इसके अलावा मीटर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है, इसमें फॉन्ट्स चेंज कर दिए गए थे फेस लिफ्ट में, और इसका जो एमआरआई डिस्प्ले है ये भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो करवाता है। लेकिन ये सारा बेसिक इन्फो है, ये सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है और इसमें एक स्टिचिंग भी दी गई है जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक देती है। बाकी एयरमेट्स गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए ग्रैंडी में एयरमेट्स नहीं दिए गए, और इनमें क्रोम आता है सिर्फ ग्रैंडी के अंदर, और ये इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम जो कि 9 इंचेस का है। इसमें फीचर्स भी कंपैरेटिवली अल्पाइन वाली स्क्रीन से ज़्यादा आते हैं जो कि 1.6 वाली कार में आती है, और उसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है और ऑटोमेटिक है, यानी कि आप इस गाड़ी के टेम्परेचर को जहाँ पर एडजस्ट कर देंगे गाड़ी इसके लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करेगी। और उसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी फेसलिफ्ट के बाद दिया गया है, पहले इवन ग्रैंडी में भी नॉब्स आते थे जैसे XLi GLi में आते थे। उससे नीचे यहाँ पे ऑक्स इनपुट दिया गया है, USB आउटपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और उससे नीचे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है और इलेक्ट्रॉनिक भी है, यानी कि आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसमें पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, और उसके अलावा उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी है, ट्रेडिशनल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन इसमें टिप जो है ये क्रोम की फिनिश में आती है ग्रैंडी में। 7 स्पोर्ट मोड दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, और उसके अलावा 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसका सेंटर कंसोल जो कि अगेन ग्रैंडी में लेदर की फिनिश में आता है। ग्रैंडी से नीचे जितने भी कार्स हैं 1.6 वगैरह उनमें ये सारी सीटें वगैरह फैब्रिक में आती हैं। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग के माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर, और ग्रैंडी में पुश स्टार्ट भी आता है। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है, और इसके अलावा इस गाड़ी का रियरव्यू मिरर भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है, और इसमें ग्रैंडी में ये वाला एरिया भी ब्लू में आता है जो कि अदर सन वाइजर काम करता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो वैनिटी मिरर हैं इनके साथ भी ये लाइट दी गई हैं, और इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, और इनको आप एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हैं लाइक दिस। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये भी लेदर की फिनिश में आती हैं, और ये लेदर दिखने में काफ़ी अच्छा है। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है, ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सिटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम है, और हेडरूम भी इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। ये क्योंकि ग्रैंडी है तो इसमें सनरूफ आती है, और सनरूफ वाली कार में सेंटर से थोड़ा सा हेडरूम कम होता है, बैक पे ये सफिशिएंट है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी भी हाइट के बंदे को बैठने में कोई इशू नहीं होगा। प्लस यहाँ पे 3 लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बैट भी फ्लैट आता है, यहाँ पे कोई हम्प नहीं दिया गया जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रेयर पैसेंजर्स के लिहाज से ग्रैंडी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 USB आउटलेट्स दिए गए हैं जहाँ से आप फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एयरमेट्स नहीं आते। बैक पे यहाँ पे ये फ्रंट सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं, सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इस गाड़ी के कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रैंडी में यहाँ पे केबल लाइट बहुत सारी आती हैं, 2 केबल लाइट्स यहाँ पे पीछे दी गई हैं, 1 सेंटर में दी गई है, 2 आगे दी गई हैं, और फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं इस गाड़ी के अंदर, ये प्रॉपर आपको स्टेडियम वाली फील देती है। इसके अलावा यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, और ग्रैंडी में रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, ये बेंचेस स्प्लिट में हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक को केबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है, ये फीचर सिविक अभी तक ऑफर नहीं करती। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ग्रैंडी में 2Z RFE आता है जो कि 1800cc इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन है। ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से, और इससे पावर भी सही निकालती है इस इंजन से। ये गाड़ी आपको वेरन सिटी तकरीबन 11 तक की एवरेज दे सकती है आराम से, 11-12 तक, लॉन्ग पे ये गाड़ी 15 भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी इस गाड़ी में क्योंकि ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक है तो आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट मोड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी बेहतर बनाती हैं, और इसके बोनट के अंदर भी सोल्यूशन दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो ग्रैंडी में जो टायर साइज़ आता है ओरिजिनल वो है 205, 45 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच का ही रिम लगा हुआ है लेकिन इसमें टायर बड़ा लगाया गया है, इस टायर की प्रोफाइल 55 है तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जो जेन्युइन टायर आता है ग्रैंडी में वो है योकोहामा DB Advan, इसमें भी योकोहामा ही लगा हुआ है, और ये गाड़ी आपको तकरीबन 40-45,000 किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। बाकी ग्रैंडी में फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक आती हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये लॉरियम ग्रैंडी में फेसलिफ्ट के बाद आए थे, और ये ड्यूअल कॉम्बिनेशन में है ग्रे और एल्युमिनियम के। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ट्रंक लीज और पैनिक बटन आता है, और ये की है भी स्मार्ट एंट्री वाली। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।